उदयपुर हत्याकांड को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने भड़काऊ और विवादित बयान दिया है। मौलाना ने कहा है कि उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में बीजेपी और साथ ही आरएसएस का हाथ है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर हत्याकांड की जिहादी साजिश को अब सियासी रंग देने की कोशिश में जुट गया है जहरीला मौलाना तौकीर रजा। पैगंबर टिप्पणी विवाद में रैली कर सर तन से जुदा के लिए कट्टरपंथियों को उकसाने वाला तौकीर का ताजा बयान सुन लीजिए। उदयपुर हत्याकांड के दावत इस्लामी कनेक्शन के जवाब में इसने गजब शगुफा छोड़ा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कन्हैया लाल की बलि दी गई है हिंदू मुसलमान दूरियां बढ़ाने के लिए। तो उस वक्त मौका मुसलमानों को मरवा के इनका काम चल रहा था तो वो कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि मुसलमान को मरवाने से कोई काम नहीं चलेगा तो उन्होंने हिंदू मरवाया है। गजब तो ये है कि तौकीर अब कह रहा है कि शरीयत में सरतन से जुदा जैसा कोई नारा है ही नहीं और शरीयत किसी का भी सरतन से जुदा करने की इजाजत नहीं देता। उदयपुर हत्याकांड में सर कलम की जिहादी साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन तौकीर रजा इसे भी नकारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।